Hi guys, welcome to my channel. अभी आपने देखा होगा कि मैं ड्रेस ट्रायल में थी. कल मैं एक और एड शूट कर रही हूँ मैक्स के लिए, और उसका आज ड्रेस ट्रायल था. 4:30 से गई थी, अभी आई हूँ 8:30. मुझे लगा था 15-20 मिनट्स में लास्ट टाइम की तरह ख़त्म हो जाएगा ड्रेस ट्रायल्स, बट इस बार 4 घंटे लग गए हमें ड्रेसेस ट्राई करने में. बहुत ज़्यादा ड्रेसेस ट्राई करनी थी और थक गई, और अभी जस्ट घर आई हूँ. कल जो मेरा कॉल टाइम है वो है मॉर्निंग में 4:30. 4:30 का कॉल टाइम है, इसलिए मुझे, बट लकीली फिल्म सिटी में शूट हो रहा है तो फिल्म सिटी अर्ली मॉर्निंग मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट्स दूर है. तो एक वो अच्छी बात है कि मुझे 4 बजे मतलब हाफ एन आवर पहले ही निकलना पड़ेगा, तो वो अच्छी बात होगी कि 1 घंटे पहले नहीं निकलना है. तो मैं कल मुझे सुबह उठना पड़ेगा 3 बजे उठना पड़ेगा. तो कल 3 बजे उठना पड़ेगा, और इसलिए मैं अभी फटाफट बैग पैक करती हूँ. मेरा घर का शूट का टारगेट है कि मैं 9:30 को सो जाऊँ. अगर नींद आ जाए, भगवान करे नींद आ जाए, तो सो जाऊँगी और फिर 3 बजे उठूँगी और 4:30 को पहुँच रहे हैं शूट पे. तो ठीक है, कल मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं फिल्म सिटी में पहुँचती हूँ और फिर वहाँ पे क्या क्या होता है शूट पे. तो टिल देन, गुड नाइट. तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है डिनर करने का, बट फिर भी मैं कर रही हूँ. ये है प्रोटीन सूप. ये है मेरा प्रोटीन सूप, इसके अंदर मैं आधा नींबू भी डाल दूंगी. और सूप के साथ मैं खा रही हूँ ये सैंडविच जो कि पूरा ही टूट गया. बस यही है मेरा डिनर, फटाफट खा के सो जाते हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी बज गए हैं सुबह के 3:30, और देखो मैं क्या कर रही हूँ. देखा, 1 सेकेंड. ओके, ये है आइस वाटर, और मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए, मेरा फेस, मेरा स्किन काम करने के लिए रेडी हो जाए, इसलिए मैं आइस कोल्ड वाटर में अपना फेस डाल के देखती हूँ क्या होता है. चलो ट्राई करती हूँ. वाह, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो अंदर जा रहा है फेस, तो ऐसे अच्छा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है. आई होप मेरी आंखें वहां जाने तक ठीक हो जाए. इससे ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लेट हो जाऊंगी. ओके गाइस, तो मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ. ये है हमारी लोकेशन, पर हम आई थिंक वहां पे शूट करने वाले थे. अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि मैं बिफोर टाइम पहुंचूं, और क्योंकि मेरे बाल थोड़े सेट करने में टाइम लगता है, तो मैं बिफोर टाइम पहुंचती हूं ताकि यू नो हम लोग आज जो शूट करने वाले हैं वो गोल्डन आवर्स या मैजिक आवर्स बोलते हैं उसको, उसमें शूट करने वाले हैं. तो मैं चाहती थी कि मेरी तरफ से कुछ भी डिले ना हो.
तो मैं जल्दी आ गई हूँ, बट अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। देखो थोड़ा एक या दो लोग ड्रेस में आए हैं, एक प्रोडक्शन में आया है, अभी वैनिटी भी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही जल्दी पहुँच गई हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं आ रही थी इतना शांत था फिल्म सिटी में, मतलब दोनों तरफ जंगल, बीच में रास्ता, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं किसी भी तरह की। मतलब मुझे ऐसा लगा मेडिटेशन करने की कितनी बेस्ट जगह है ये, और ये कितना अच्छा होता है अर्ली मॉर्निंग उठना, और अर्ली मॉर्निंग में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे इतना जल्दी उठना स्टार्ट करना चाहिए, जो कोई मैं पहले भी उठती थी। अभी ना आपको मैं पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो इतना ब्यूटीफुल है, इतना शांत है यहाँ पे, कोई मतलब हाँ अभी थोड़े लोग आ गए हैं तो उसकी आवाज़ है, बट उसके अलावा कुछ नहीं। बट देखो ना कितना ब्यूटीफुल है, अर्ली मॉर्निंग है, और मैं अभी रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में दोनों तरफ जंगल था और बीच में रास्ता, एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, धीरे 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 सब लोग आ रहे हैं, मैं जल्दी पहुँच गई इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने मारा था सुबह सुबह, वो भी क्या चलती गाड़ी पे, चलती गाड़ी पे। चलो देखो बैठा हुआ, ओ माय गॉड इतना नजदीक। हाँ देखो देखो, वो कैमरा से सिर्फ इतना दूर लग रहा है। और आप लोग फिर अंदर चले गए? हम लोग नहीं, वो लोग नीचे शूट कर रहे थे ना। सो गाइस यहाँ पे मतलब ये तो मैं बचपन क्या जब से फिल्म सिटी आती हूँ तब से ये कहानी सुनती आई हूँ कि यहाँ पे लेपर्ड्स मतलब तेंदुआ बोलते हैं लोग, वो आ जाता है कई बार, बट मैंने कभी लाइव नहीं देखा, बट बहुत सारे लोगों के मुँह से देखा। और अभी जो वीडियो है वो भी दिखा रहे थे दादा कि ऐसे कई बार आ जाता है, और यहाँ तो इस सेट पे तो बहुत बार आता है ऐसा सुनने मिला है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी देखने मिले, एक बार तो देखूं। ओए कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। ये लुक रखा जैसे टोंग कर रहा था। सो अभी लाइट चली गई है बट फिर भी काम चालू है। देखो देखो कैसे, देखो कैसे। सो हाय गाइस, अभी हमने मॉर्निंग 5 से लेके 9 तक शूट किया है, और पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाजू और इस तरफ दोनों तरफ और एक्टर्स हैं वैनिटी में, और आई थिंक वो लोग सो गए हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ। 9 बजे तक हमने शूट किया, हम आए वापस वैनिटी में, हमने चेंज किए कपड़े और ब्रेकफास्ट किया बहुत अच्छा, बट मुझे चाय और पराठा खाना था, तो पराठा मैं वैनिटी में लेके आ गई हूँ, और चाय भी मेरे बहुत आराम से बैठ के खाना था, तो मैं अभी ये चाय और पराठा, आलू पराठा है वो खा के फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि हम सबको 4 से 5 घंटे का ब्रेक मिला है पूरी यूनिट को, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट शूट करना है वो नाइट, मतलब उसे मैजिक आर बोलते हैं, वो जो सूरज ढलने वाली लाइट होती है वो लाइट में ही हमें शूट करना है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आई थिंक हम लोग लंच के बाद वापस से रेडी होना स्टार्ट कर देंगे।
तब तक हम सबके पास टाइम है। हमने मॉर्निंग में भी मैजिक आर में शूट किया है, मतलब ओनली मॉर्निंग जब सूरज सनराइज होता है वो लाइट में हमने शूट किया है। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम लोग सो सकते हैं। हम लोग 3 बजे से उठे हुए हैं सब लोग, तो अभी हम खा के मतलब सब तो सो ही गए हैं ऑलमोस्ट सब लोग, अभी मैं भी ये थोड़ा सा खा लेती हूँ और इसके बाद सो जाती हूँ सारी लाइट्स ऑफ करके। फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट, अभी वापस जब नेक्स्ट हम वापस रेडी होने लग जाएंगे, प्रॉपर बाल मेकअप कॉस्ट्यूम चेंज है वो सब करेंगे, तब मैं बात करती हूँ। ओके सो मैंने खा लिया है, अब हम करते हैं लाइट्स ऑफ। बस इतनी लाइट और अब हम सो जाएंगे। हाय गाइस, सो फाइनली मेरा पैकअप हो गया है। मैं सुबह 3 बजे उठी थी, 4 बजे निकली थी और अभी मैं पैकअप करके 10:30 बजे घर आई हूँ। और आते ही मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, मैंने सिर्फ शूज रिमूव किए और कल मेरा एक ऑडिशन है, तो आते ही मैंने सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख ली है और याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी 11:30 बज गए हैं, तो बस अभी मैं मतलब ऑलमोस्ट मुझे हो गए 16-17 घंटे काम करते हुए और अब मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं जब स्क्रिप्ट लिख रही थी तो भी मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए, मेकअप रिमूव करना चाहिए, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। अगर मेरा दिमाग थोड़ा काम करता है तो शायद तो फिर मुझे स्क्रिप्ट रेडी करनी चाहिए। मेरा टारगेट था कि कल मैं सुबह सुबह ऑडिशन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 2 स्क्रिप्ट है। थके थोड़े हाँ, तो कल सुबह सुबह ऑडिशन ख़त्म कर दूँ, बट मुझे लगता है कि आज थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, फटाफट रेडी कर दूँ और कल ऑडिशन कर दूँ।